21.1 अंतरदेशीय उत्पादन बच्चों गर्मी के मौसम में आप आम तो खाते होंगे साथ ही आप कई फल जैसे केला अनार अंगूर ये सब भी खाते होंगे अच्छा हाँ आप सेब भी तो खाते होंगे तो क्या सेब का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में होता है सेब का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है यहाँ सेब के बहुत सारे बागान पाए जाते हैं जिनमें बड़ी मात्रा में सेब का उत्पादन होता है और इन्हीं राज्यों से भारत के अन्य राज्यों में सेब का निर्यात किया जाता है अच्छा बच्चों आप चाय भी पीते होंगे तो क्या चाय पत्ती का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है चाय पत्ती का उत्पादन भारत के असम दार्जिलिंग इन राज्यों में होता है इन राज्यों में चाय पत्ती के बागान होते हैं जहां बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती का उत्पादन किया जाता है और इन्हीं राज्यों से अन्य राज्यों और देश के बाहर भी चाय पत्ती का निर्यात किया जाता है बच्चों अगर कपड़ा व्यवसाय की बात करें तो बनारस की बनारसी साड़ियाँ मैसूर की मैसूर सिल्क साड़ियाँ इनकी प्रसिद्धि देश विदेशों में है यही कारण है कि भारत के राज्यों के अलावा इनका निर्यात विदेशों में भी किया जाता है साथ ही छत्तीसगढ़ में कोसे का उत्पादन होता है और कोसे से बनने वाली कोसा साड़ियाँ और कोसे के अन्य वस्त्रों का निर्यात न केवल भारत के अन्य राज्यों में बल्कि विदेशों में भी किया जाता है बच्चों ये आयात निर्यात व्यापार केवल दो राज्यों के बीच नहीं बल्कि दो देशों के बीच भी होता है आइए आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली किरंदुल में बचेली किरंदुल ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लौ अयस्क पाया जाता है इस लौ अयस्क को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विशाखापट्टनम बंदरगाह के रास्ते विदेशों में बेचा जाता है यानी निर्यात किया जाता है तो बच्चों आयात और निर्यात व्यापार के द्वारा ही विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन को जन्म देता है पहला 1960 के दशक में और उसके बाद एक कार के रूप में फोर्ड एस्कार्ट यूके और जर्मनी में जोड़कर तैयार की जाती थी मगर उसके पुर्जे अमेरिका कनाडा फ्रांस स्पेन इटली स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया डेनमार्क बेल्जियम और यहाँ तक कि जापान सहित दर्जन भर से अधिक देशों में बनाए जाते थे इस रणनीति के तहत फोर्ड स्कॉट उन देशों में कार उत्पादन को प्राथमिकता देती है जहाँ उसे कम मजदूरी में श्रमिक उपलब्ध होते हैं तथा करों की दर कम होती है साथ ही सरकारों द्वारा उन्हें कुछ रियायतें भी दी जाती हैं आज इस प्रकार की कई कंपनियां भारत में हैं और वे दुनिया भर से सामान मंगवाती हैं दूसरा चित्र क्रमांक इक्कीस को देखिए जिसमें दो महिलाएँ बंगलुरु में एक स्थानीय कंपनी के एक कॉल सेंटर में काम कर रही हैं यह एक ऐसी कंपनी है जो विश्व की कुछ बड़ी कंपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक डेल कंप्यूटर अमेरिका ऑनलाइन और ब्रिटिश एयरवेज द्वारा प्रदत्त 800 कस्टमर केयर नंबरों पर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराती हैं भारत की ये कंपनियाँ बड़ी कंपनियों के लिए कम लागत पर आउटसोर्सिंग के रूप में काम करती हैं स्थानीय कंपनी कॉल सेंटरों पर काम करने हेतु अंग्रेजी जानने वाली महिलाओं को अमेरिकन अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण देती है उन्हें फिल्में दिखाती है तथा उन्हें अमेरिकन लोगों के समान बातचीत व व्यवहार का तरीका सिखाया जाता है इसे ग्राहकों को यह महसूस ही नहीं होता कि वे दूसरे देश के अभिकर्ता से बात कर रहे हैं बल्कि उन्हें लगता है कि ये सेवाएं उन्हें अपने देश से ही संबंधित कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही हैं बड़ी कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग के रूप में स्थानीय कंपनी की सेवाएं प्राप्त करने हेतु इस तरह के जिन केंद्रों की मदद ली जाती है उन्हें बी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं इनसे बड़ी कंपनियों को कम लागत पर सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं ये सेंटर उन देशों में स्थापित किए जाते हैं जहां संचार साधनों जैसे जहां संचार साधनों जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा चुका हो